पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विधानसभा इलेक्शन की तैयारी जोरों पर है, तो वहीं विधानसभा के चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे टिकट के दावेदार भी अपनी पूरी तैयारी में लगे हैं। चुनावी माहौल है तो हर जगह सिर्फ चुनाव की बातें ही नजर आ रही हैं। आज हमारे संवाददाता ने कुंदरकी विधानसभा पहुंचकर कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे चौधरी एहसान खान से बात की। चौधरी एहसान खान ने इस दौरान कुंदरकी क्षेत्र की समस्याओं पर बात की, तो वहीं भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। एहसान खान ने क्षेत्र के वर्तमान विधायक पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ये मुरादाबाद की 29 विधानसभा कुंदरकी, यहाँ का जो माहौल है वो सबसे पहले तो जो यथास्थिति अब सरकार है उससे लोग बहुत परेशान हैं। कोई विकास नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि डींगरपुर का जो रोड है इसमें आप मच्छी पालन भी कर सकते हैं जब बारिश होती है। और किधर भी जाएंगे आप, कोई भी पूरे 5 साल में ना सपा की सरकार में कोई काम हुआ। सोचा था लोगों ने कि चलो सपा की सरकार में काम नहीं हुआ तो अब हो सकता है कि बीजेपी के सरकार में काम होगा, सबका साथ सबका विकास होगा। इस 5 साल में पूरे ब्लॉक कुंदरकी के अंदर कोई नया निर्माण नहीं हुआ, खड्डे हो गए, लोग इतना परेशान हैं कि बेनता जाते। और जो कुंदरकी में स्वास्थ्य जो हमारा विभाग है वो बिल्कुल निकम्मा है। कोई स्वास्थ्य का आप जाके देखोगे तो मरीजों को मैं कहकर कहा रहे। और शिक्षा में तो ये साल पूरा 2 साल बिल्कुल ख़त्म हो गए, बच्चा बहुत परेशान है। शहरों में तो क्या है कि चलो नेट पे पढ़ाई हो जाती है, लेकिन गांव में ना लाइट ही है ना मोबाइल ही है। बच्चों का भविष्य इस योगी सरकार में बिल्कुल जीरो हो गया, अंधकार हो गया। अच्छा, क्षेत्र में जाते होंगे तब और लोगों से बातचीत होती होगी, क्या लगता है कि जो वर्तमान सरकार है उससे संतुष्ट लोग नजर आते हैं? नहीं, जो लोग इनसे जुड़े थे वो भी अब कांग्रेस की तरफ को देख रहे हैं। सपा से नाराज है वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी से नाराज थे वो कांग्रेस की तरफ को देख रहे हैं, और जो सपा बीजेपी से नाराज है सब एक ही विकल्प है इस टाइम कांग्रेस। अच्छा, सरकार होते सरकार क्योंकि भाजपा की है, उसके बाद भी आपके क्षेत्र से विधायक जो बने वे समाजवादी पार्टी के बने है क्या? कुंदरकी विधानसभा में 2/3 का फर्क है, 2 मुस्लिम है, मतलब 2 हिस्से मुस्लिम है और 1 हिस्सा हिंदू भाई है हमारे, तो इसलिए हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन यहाँ हमेशा रहा है कुंदरकी में। इसीलिए कभी हाजी अकबर जीत जाते हैं, कभी हाजी रिजवान जीत जाते हैं, लेकिन आज जो मुकाबला होगा वो कांग्रेस पार्टी से है कुंदरकी में। कुंदरकी विधानसभा अगर ऊपर वाले ने चाहा तो कांग्रेस के नाम में लिख चुकी है। अच्छा, इसके अलावा आपके भी जो कुछ क्षेत्र में जाके कुछ ऐसी समस्याएं होंगी जिनका अभी तक निदान नहीं हो पाया? कोई निदान नहीं होता, जंगल राज है, कोई सुनने वाला नहीं है। रिजवान यहाँ पर मौजूदा विधायक है और आपस में जो पहले से जो हमारे यहाँ शिवसेना वाले हैं और हमारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने नॉर्मल पड़े रहते हैं, कोई विरोध ही नहीं करते। और विरोध करते भी हैं तो धरना प्रदर्शन हम ही चौधरी एहसान का अपने कांग्रेस के जितने भी हैं समर्थकों को लेकर ब्लॉक पे, तहसील पे, थाने पे धरना प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हैं। बस जनता की आवाज को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, कांग्रेस है पूरे जिला मुरादाबाद के अंदर कांग्रेस का रुझान है। आप भी जगह जगह घूमते होंगे, हर जगह कांग्रेस के बारे में सोच रहे हैं। प्रियंका जी की जो प्रतिज्ञाएं हैं उस चीज को लेकर बहुत प्रभाव पड़ा है क्षेत्र में, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा, कांग्रेस भाजपा सरकार होने के बावजूद भी ये जो मुरादाबाद रहा ये समाजवादी का गढ़ माना गया, क्या क्या लगता है कि इसमें सत्यता कितनी? इसमें सत्यता ये है कि जब से आजम खां जेल गए हैं और अखिलेश जी ऐसे हो गए जैसे कि उन्हें जानते ही नहीं है, तो मुसलमानों में बड़ा विरोध भी है। मुलायम सिंह कितने करीब थे, उनके कंधों पर नाव कैसे कहते कंधों पर रख के तीर चलाए, आज उनका कोई पुरजान हाल ही नहीं है, वो पूछने वाले नहीं है आजम को। तो आजम के जेल जाने के बाद में कांग्रेस किस तरह से सपोर्ट में आएगी या कांग्रेस किस तरह से जो क्षेत्र की जनता है उनको? जनता तो अब ये देखना चाह रही है कि विकास या इस उत्तर प्रदेश को कौन चला सकता है, हिंदुस्तान की जो सरकार है उसे कौन चला सकता है, कि अब पुराने दौर पूरी जनता
चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, युवा हो या बूढ़ा हो, सब यही चाहने कि जो पहले था ऐसे हो जाए हिंदुस्तान। अब ऐसे कब था, जब माननीय मनमोहन सिंह की सरकार थी उस दौर को चाह रहे हैं, कांग्रेस को दौर को चाह रहे हैं, 30 साल पुरानी कांग्रेस को चाह रहे हैं। उस दौर में, कांग्रेस के दौर में किसी को भी ये मत पता नहीं चलता था कौन क्या कर रहा, ना वो नेता ऐसे थे कि पकौड़े वाला ठेला लगा रहा किराए पे कहा आगे 500 कमाता होगा 100 रुपये लेकर आओ, वो माहौल नहीं है। कोई लकड़ी काट रहा तो लकड़ी वाले से हफ्ता, कोई बाजार में ठेकेदारी कर रहा तो उससे हफ्ता, मतलब आजकल के जो नगे सपा बसपा और उसमें जो बीजेपी में नेता आए कि छोटे वर्ग के लोग आए ऊपर को भर के, इन्होंने देखा कि हाँ कौन खा कमा रहा उस पर हफ्ता, तो इस तरह का माहौल हो गया। तो अब प्रदेश की जनता ये चाहती है कि इस बदलाव को बदलना है तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस में ज़्यादातर नेता जो हैं बहुत सच्चे ईमानदार लोग हैं। मतलब आपके सवाल का सार ये है कि जो भाजपा के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं अनुभव की कमी है। अनुभव की कमी है, नए दौर के बच्चे हैं सब, नए दौर के बच्चे हैं। देखा कुछ ना था, चलाए थे कोलू और सपने देख रहे हैं मिलों के, चलाई थी छोटी छोटी दुकान है, अब देख रहे हैं फर्मों के सपने, तो भ्रष्टाचार ही तो पैदा करा इन्होंने, सपा ने बसपा ने और क्या नाम है बीजेपी ने। तो इस बार का अंदाजा क्या? अंदाजा ये है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और आने वाली मुख्यमंत्री प्रियंका जी पूरा देश प्रदेश देख रहा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।